Hello children, in this video you will get to know about add-ons and plugins. Add-ons and plugins kya hote hain? Okay, so plugins and add-ons are two terms that are used for almost similar things. Okay, both are used to extend the functionality of a specific programs. Add-ons and plugins क्या होते हैं? ये छोटे छोटे programs होते हैं, okay, जिनकी functionality almost same होती है, जिनका function almost same होता है, इनका use किया जाता है बड़े programs में कोई feature add करने के लिए, कोई function add करने के लिए. Fine. Okay, और इन add-ons को हम क्या कहते हैं? इनको extensions भी कहा जाता है. Right, most web browsers allow you to install extensions also called add-ons. Okay, तो ये क्या है? Add-ons और plugins और extensions are small programs which are added to the big application programs. Okay, in order to add some functionality in those programs. ये छोटे programs होते हैं जिनका use किया जाता है बड़े softwares में या बड़े programs में कुछ functionality add करने के लिए, कुछ features add करने के लिए. Right? Okay, extensions are small application program that add features to your browser and enhance or modify the way web pages are displayed. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो add-ons हैं, वो क्या है? Extensions है, कुछ छोटे-छोटे programs हैं, ठीक है? जिनको हम use कर रहे हैं, जिनको हम add कर रहे हैं browser के अंदर, क्यों? In order to enhance or modify the way, जिसे हम कुछ change ला सके web page के display में. ओके या फिर कुछ पर्टिकुलर फीचर ऐड कर सके. फाइन, दे आर सिमिलर टू द रेगुलर एप्स और प्रोग्राम्स. ये कैसे होते हैं? छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर लाइक स्मॉल एप्स. ओके, बट नॉट रन व्हेन द ब्राउजर, बट ओनली रन व्हेन द ब्राउजर रन्स. और ये कब काम करते हैं? जब आप ब्राउजर को रन करोगे तभी ये एडॉन्स, ये एक्सटेंशन काम करेंगे. फाइन, ये अपने ये इंडिविजुअली वर्क नहीं करते. They will work along with the browser. ये ब्राउजर के साथ ही काम करते हैं, ब्राउजर के साथ ही रन करेंगे. फाइन, सब एग्जाम्पल ऑफ एडोन्स आर, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है एडोन के, लैंग्वेज सपोर्ट सच एज गूगल ट्रांसलेट, ग्रामरली. आप इसकी एक्सटेंशन एड कर सकते हो जिससे आप इजिली क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो लैंग्वेज को. ओके, एड ब्लॉकर सच एज एड ब्लॉक प्लस और यू ब्लॉक ऑरिजिन. आप एड ब्लॉकर एड कर सकते हो ब्राउजर के अंदर जिससे एड उस पर डिस्प्ले नहीं होंगे. वीडियो डाउनलोडर्स आप एक्सटेंशन एड कर सकते हो जहाँ से आप इजिली वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट्स, स्क्रीनशॉट टूल्स सच एज फायरशॉट, एवरनोट, वेब क्लिपर. आप ये पर्टिकुलर एडोन्स अपने ब्राउजर में ऐड कर सकते हैं. ओके, वेबसाइट स्क्रीनशॉट्स. ओके, इन ऑर्डर टू टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द वेबसाइट. पासवर्ड मैनेजर सच एज लास्ट पास. ओके, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम एडोन्स. ओके, नाउ वी हैव वेयर कैन यू फाइंड ब्राउजर एडोन्स. जो ब्राउजर में एडोन्स होते हैं आप वो आपको कहाँ मिल सकते हैं? ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रोम, आपका ब्राउजर क्रोम है, तो इन क्रोम एडोन्स आर कॉल्ड एक्सटेंशंस दैट आई हैव टोल्ड यू, और एडोन्स को एक्सटेंशंस भी कहा जाता है. यू कैन गेट क्रोम टू शो यू योर इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस बाय टाइपिंग द फॉलोइंग इन द एड्रेस बार. अगर आपको देखना है कि आपके ब्राउजर में कौन कौन से एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, ओके, तो वो कहां से आएंगे? आपको एड्रेस बार में, ब्राउजर की एड्रेस बार में टाइप करना है क्रोम कॉलन डबल स्लैश एक्सटेंशंस. ओके, यू कैन इंस्टॉल न्यू एक्सटेंशंस. और अगर आपको न्यू एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं तो आप क्रोम वेब स्टोर पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, ओके, अगर आपका ब्राउजर फायरफॉक्स है, ओके, यू कैन फाइंड एडोन्स फॉर फायरफॉक्स इन द मोजिला स्टोर. आपको मोजिला स्टोर से एडोन्स मिल जाएंगे, एक्सटेंशंस डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगी. ओके, यू कैन लुक एट योर इंस्टॉल्ड एडोन्स बाय टाइपिंग द फॉलोइंग इनटू द एड्रेस बार. और आपको देखना है कि कौन कौन से आपने एक्सटेंशंस और एडोन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, वो देखने के लिए आप एड्रेस बार पे टाइप करेंगे अबाउट कॉलन एडोन्स. राइट, ओके, अगर आपको न्यू इंस्टॉल करने एडोन्स तो मोजिला स्टोर से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो. राइट, इफ यू, इफ योर ब्राउजर ओपेरा, अगर आपके पास ओपेरा ब्राउजर है, ओके, देन ओपेरा आल्सो कॉल्ड इट्स एड ऑन एक्सटेंशंस. ओपेरा भी अपने एडोन्स को एक्सटेंशन ही बोलता है. एंड यू कैन फाइंड देम इन एड ऑन स्टोर. ओके, ओपेरा के आपके एड ऑन स्टोर से आपको मिल जाएगी.
राइट, देन यू हैव सफारी टू फाइंड सुटेबल एक्सटेंशन फॉर सफारी। सफारी ब्राउजर है अगर आपका, तो आप वहां पे कहाँ कैसे मिलेंगे आपको एक्सटेंशन, यू शुड गो टू द सफारी एंड इन सफारी गो टू द सफारी एक्सटेंशन इन द ब्राउजर मेन्यू। ब्राउजर मेन्यू में आप सफारी एक्सटेंशन पे जाके एक्सटेंशन देख सकते हैं कौन कौन से आपने इंस्टॉल किए हुए हैं। राइट, नाउ वी हैव प्लगइन प्लगइन्स। ओके, व्हाट आर प्लगइन्स? प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स इज अ टर्म यूज्ड फॉर एक्सटेंशंस दैट आर डेवलप्ड बाय अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स भी एक्सटेंशंस ही है। ओके, एक्सटेंशंस हैं जिनको क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब जिसने ब्राउजर नहीं बनाया, ओके, कोई अलग कंपनी जो ब्राउजर नहीं बनाती है वो इसको डेवलप करती है, ठीक है। ओके, कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए बनाया जाता है इसको, प्लगइन्स को कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए बनाया जाता है, और इसको कोई दूसरी कंपनी बनाती है, वो कंपनी नहीं बनाती जिसने वो प्रोग्राम बनाया है, कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई थर्ड कंपनी उसको बनाती है। ओके फाइन, देखो प्लगइन्स आर सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस दैट कैन बी लोडेड ऑन द प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट्स फंक्शनैलिटी। तो प्लगइन्स भी क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस है जिसको हम अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए, या कुछ अलग फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। ओके, फॉर इंस्टेंस यू मे रिक्वायर अ प्लगइन इफ यू वॉन्ट टू वॉच वीडियोज, योर ब्राउजर विल बी अनेबल टू ग्रेस हाउ टू प्ले द वीडियो विदाउट प्लगइन्स। अगर आपके ब्राउजर में प्लगइन्स नहीं है, ओके, तो उसमें क्या होता है, वीडियोज प्ले नहीं करती। फाइन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके ब्राउजर में प्लगइन्स होना चाहिए, फ्लैश प्लेयर होना चाहिए आपके ब्राउजर में। फाइन, अगर फ्लैश प्लेयर नहीं है तो क्या होगा, आपका फ्लैश प्लेयर प्लगइन नहीं है तो आपका ब्राउजर वीडियो प्ले नहीं करेगा। फाइन, ओके, तो फ्लैश प्लेयर यहाँ पे क्या है, प्लगइन है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है ब्राउजर में। अनदर एग्जाम्पल, अ फोटोशॉप प्लगइन लाइक आई कैंडी हेल्प्स यू टू मैनिपुलेट इमेजेस विद एक्स्ट्रा फिल्टर्स। अब फोटोशॉप का प्लगइन है, फोटोशॉप में आप एक्स्ट्रा एक प्रोग्राम ऐड कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड कर सकते हो, उसका नेम क्या है, आई कैंडी, जो क्या हेल्प करता है, हेल्प्स यू टू मैनिपुलेट इमेजेस विद एक्स्ट्रा फिल्टर्स, जो आपको बहुत सारे फिल्टर्स प्रोवाइड करता है। फाइन, इफ यू आर यूजिंग द फोटोशॉप यू कैन ऐड मोर फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग द आई कैंडी प्लगइन। राइट, प्लगइन्स अलाउ यू टू कस्टमाइज वेबसाइट कंटेंट एज वेल एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वेब ब्राउजर एंड एप्स इन जनरल। तो प्लगइन्स का क्या फंक्शन होता है, इससे एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड होता है, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड होता है। ओके, आप वेबसाइट के कंटेंट में कोई चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स में फीचर्स ऐड कर सकते हो, आप वेब ब्राउजर्स में फीचर्स ऐड कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप फीचर्स ऐड कर सकते हो। फाइन, The browser plugin like Apple QuickTime or Macromedia Flash provide users the ability to play particular multimedia files within their internet browser. तो ये जो plugins हैं Apple QuickTime and Macromedia Flash, इसकी हेल्प से क्या होता है, आप multimedia files को run कर सकते हो browser के अंदर। Okay? Now here we have example of some plugins. Some good plugins. Use of once widely used web browser plugins are decreasing due to the popular internet browsers are no longer supporting them and even replacing plugins with the browser extensions. Okay, so तो ये क्या कह रहा है कि आजकल ब्राउजर क्या करते हैं, प्लगइन्स का कम यूज करते हैं और एक्सटेंशंस का ज्यादा यूज करते हैं। फाइन, देयर आर स्टिल फ्यू प्लगइन्स दैट ऑफर यू That offer users the benefit in terms of providing customization of the content of websites as well as customization of computer programs, web browsers and apps. लेकिन फिर भी बहुत सारे plugins ऐसे हैं जिनका use किया जाता है। Fine. तो इसमें से कुछ के examples मैंने यहाँ पे लिए हैं। Adobe Acrobat Reader. ओके, इसका क्या यूज है, इन मॉडर्न टाइम्स पीपल आर मोर कॉमन टू व्यू पीडीएफ फाइल। अगर आपके पास एडोब एक्रोबेट रीडर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो क्या होता है, आपकी पीडीएफ फाइल्स ओपन नहीं होती है। फाइन, तो अगर इफ दिस प्लगइन्स इज अवेलेबल इन योर प्रोग्राम तो क्या होता है, इजिली पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। राइट, ऑल्सो द पीडीएफ फॉर्मेट इज आइडियल फॉर the document, therefore this plugin enables the user to open and view those important documents. तो Adobe Acrobat Reader की help से, plugin की help से हम क्या कर सकते हैं, PDF files को open करके read कर सकते हैं। Fine.
Then we have HP Print Service. From an Android device, these plugins allow the user to send to an HP printer. You can download this plugin from the Google Play Store like an app. अगर आपको अपने फोन से अपने एंड्रॉइड डिवाइस से प्रिंट कमांड देना है, फाइन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एचपी प्रिंट सर्विस जो एक प्लगइन है उसको क्या कर सकते हो, इट इज लाइक अ ऐप. आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. एंड इसका आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गिव द प्रिंट कमांड फ्रॉम योर एंड्रॉइड फोन, फ्रॉम योर एंड्रॉइड डिवाइस, फाइन, डायरेक्टली. नाउ वी हैव द वर्डप्रेस प्लगइन्स. वर्डप्रेस प्लगइन्स, दीज प्लगइन्स अलाउ यू टू कस्टमाइज द कंटेंट एंड लुक ऑफ योर वेबसाइट इफ यू आर अ ब्लॉगर ऑन वर्डप्रेस. अगर आप क्या करते हो, ब्लॉग्स बनाते हो वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप ब्लॉग बनाते हो, तो वर्डप्रेस प्लगइन्स आपकी हेल्प करती है, ठीक है, आपके कंटेंट को कस्टमाइज करने में, आपकी वेबसाइट की लुक को इम्प्रूव करने में. तो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्डप्रेस प्लगइन्स होते हैं जिनका यूज किया जा सकता है आपके ब्लॉग को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए. देन वी हैव द सैमसंग प्रिंट सर्विस. दिस काइंड ऑफ प्लगइन इनेबल्स द यूजर टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम सैमसंग मोबाइल डिवाइस इंक्लूडिंग द एंड्रॉइड डिवाइसेस. जैसे यहाँ पे एचपी प्रिंट सर्विस था, वैसे ही सैमसंग प्रिंट सर्विस से क्या कर सकते हो, आप ये डाउनलोड, ये पर्टिकुलर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन से प्रिंट कमांड दे सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, फाइन. सो वी हैव लॉट्स ऑफ प्लगइन्स. प्लगइन्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. नाउ वेयर कैन आई गेट प्लगइन्स फॉर माई ब्राउजर्स. आपको आपके ब्राउजर के लिए प्लगइन्स कहाँ से मिलेंगे, फाइन. एवरी वेब ब्राउजर हैज एन ऑफिशियल वेबसाइट वेयर यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्लगइन्स. जितने भी वेब ब्राउजर्स होते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट्स पे जाके आप प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है. प्लगइन्स को एड ऑन्स और एक्सटेंशन भी कहा जाता है. द वेब ब्राउजर पब्लिशर वेरीफाइज द प्लगइन्स आर नॉट हार्मफुल बिफोर मेकिंग देम अवेलेबल टू डाउनलोड. जो वेब ब्राउजर पब्लिशर प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, वो प्लगइन को वेरीफाई करता है, ठीक है, वेरीफाई करता है कि दिस प्लगइन इज नॉट हार्मफुल फॉर योर ब्राउजर, फाइन. एंड उसके बाद वो आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल करता है प्लगइन्स. नोट, यू शुड ऑलवेज इंस्टॉल प्लगइन्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्राउजर्स ऑफिशियल वेबसाइट. हमेशा प्लगइन ब्राउजर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने चाहिए. अगर आप किसी और जगह से उसको डाउनलोड करोगे, किसी और प्लेस से करोगे, किसी और वेबसाइट से करोगे, तो मे बी यू यू कैन गेट वायरस अलॉन्ग विद देम, फाइन. तो ये हमेशा क्या होता है, प्लगइन्स को ब्राउजर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए और इंस्टॉल करना चाहिए, राइट. Okay, children, now we will meet in next video with next topic of introduction to computer networks. Till then, keep studying. All the best for your exams and subscribe my channel for more useful videos.